नमस्कार, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं पिछला अध्याय का जो छूटा हुआ है इतिहास के क्वेश्चन, वो हम आगे की ओर चलते हैं। तो हमने पिछला अध्याय में 75 नंबर का क्वेश्चन तक बता दिया था। तो 75 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने ये बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी, और वो खाद्य उनकी मुख्य फसलें जो थी वो गेहूँ और जो हुआ करते थे। अगला है क्वेश्चन, रंगपुर या रंगापुर ये है, एवं लोथल से धान का साक्ष मिला है। अगर पूछ दे एग्जाम में कि धान का साक्ष कहाँ से पाया गया था, वो है रंगापुर एवं लोथल। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। सिंधु सभ्यता एवं उसकी सहायक नदी घाटियों में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता था। यहाँ पर पूछेगा कि कपास की खेती की प्रारंभ किस सभ्यता के लोगों ने किया था, तो यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों से लोगों ने किया था कपास का खेती। सिंधु सभ्यता एवं उसकी सहायक नदी घाटियों में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता था। सैंधव लोगों का मुख्य उद्योग कपड़ा था। सैंधव लोगों का मुख्य उद्योग अगर देखा जाए तो वो कपड़ा था, जबकि इसका दूसरा प्रमुख उद्योग ईंट निर्माण था। अगर पहला पूछ दिया सैंधव लोगों का मुख्य उद्योग क्या था, तो वो कपड़ा तो था ही। अगर इसके अलावा पूछ दे कि दूसरा मुख्य उद्योग क्या था, तो वो ईंट का निर्माण, मतलब कि ईंट बनाते थे। अब अगला देखते हैं, कुबड़दार बैल हड़प्पा की सभ्यता में काफी प्रिय था, क्योंकि वहां पर ये साक्ष पाया गया था। कुबड़दार बैल हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी प्रिय था, और इसलिए विद्वानों ने इस मत का मत था कि यहाँ पर गाय से भी ये लोग परिचित थे। मतलब कि गाय पाया नहीं गया था वहाँ से, लेकिन केवल कुबड़दार बैल ही पाया गया था। लेकिन फिर भी विद्वान लोग का अनुमान था कि वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता वाले गाय से भी परिचित थे। अगला है सुरकोटडा में यहाँ देखा जाए तो घोड़े के हड्डी के प्रमाण मिले हैं। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि कौन से स्थान से घोड़े की हड्डी का प्रमाण पाया गया है या मिला है, तो वो बताएंगे आपकी सुरकोटडा से घोड़े के हड्डी के प्रमाण मिले हैं। और अगला है, कालीबंगा से ऊँट की हड्डी के प्रमाण पाए गए हैं। ये भी है, कालीबंगा से ऊँट की हड्डी के प्रमाण, इसका भी सेम टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ऊँट की हड्डी के प्रमाण कहाँ से पाए गए हैं, तो वो है कालीबंगा से। अगला है, हड़प्पा से गधे की हड्डी एक कब्र में पाई गई है। एक कब्र में गधे की हड्डी को पाई गई है, वो कौन से स्थान पर पाई गई है, हड़प्पा से। अगला है, हड़प्पा वासी एक कीमती पत्थर को जानते थे, प्रयोग ज्यादा करते थे, वो पत्थर कौन सा है, वो पत्थर का नाम है लाजवर्द मणि। ये पत्थर जो है लाजवर्द मणि, इसका प्रयोग हड़प्पा वासी सबसे ज्यादा करते थे, और ये बहुत ही कीमती पत्थर होता था। अगला है, लोथल से फारस की मुहरे आकृति खरगोश कुत्ता बैल की मुहरे पाई गई, कौन कौन सा, तो यहाँ पर हो जाएगा लोथल से फारस की मुहरे की आकृति बत्तख खरगोश कुत्ता बैल की मुहरे पाई गई थी। तो इसे बत्तख खरगोश कुत्ता बैल का याद करने का तरीका यह है, जैसे इंग्लिश नाम में इस हो जाएगा डक मीन बत्तख होता है, रैबिट खरगोश होता है, डॉग कुत्ता होता है, ऑक्स बैल, तो डी मतलब डक हो गया, आर मतलब खरगोश हो गया, डी मतलब डॉग हो गया, और ऑक्स मतलब बैल हो गया, तो इसका मतलब हो गया डीआरडीओ जो डिफेंस का है ऑर्गेनाइजेशन, उससे इसका नाम याद कर सकते हैं कि इसकी ये मुहरें पाई गई थी लोथल से। अगला है, मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया मूल की मुहरों के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो ऐसा पुरातत्व स्थल है जहाँ से मेसोपोटामिया मूल की मुहरों के प्रमाण मिले हैं। अगला चलते हैं, देखिए सिंधु सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, इसलिए वहाँ पर कोई भी सिक्कों के बारे में नहीं जानते थे। और हड़प्पा सभ्यता में तौल के लिए 16 और उसकी गुणक अंगों का प्रयोग किया करते थे, तथा हड़प्पा वासियों के बटखारे जो होते थे वो घनाकार आकार में बने होते थे।
यहाँ पर तौल के लिए 16 के गुणज 16 और 16 के गुणज अंकों का प्रयोग किया जाता था, और इनके जो बटखारे हैं वो घनाकार आकार के होते थे। तो यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला ये क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगला देखते हैं, हड़प्पा वासियों में मातृ देवी, पशुपति, शिवलिंग एवं योनि के स्वतंत्र उपासक और जल अग्नि नाग पशु पक्षी वृक्षों की उपासना सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, पशुपति शिव की उपासना के साक्ष्य मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहन जोदड़ो ऐसा पुरातत्व का स्थल है जहाँ पर पशुपति शिव की उपासना का साक्ष्य पाया गया है। अगला है, मोहन जोदड़ो से विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। इसमें प्रवेश के लिए, ये देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोहन जोदड़ो से विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। विशाल स्नानागार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वो है मोहन जोदड़ो से। इसमें प्रवेश के लिए इसके उत्तर एवं दक्षिण में सीढ़ियां बनी थी। इसमें प्रवेश के लिए उत्तर एवं दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। अगला है, काली बंगा लोथल एवं संगोल से अग्नि कुंड का प्रमाण मिले थे। काली बंगा से लोथल एवं संगोल, ये तीन स्थान ऐसा है जहाँ से अग्निकुंड का प्रमाण पाया गया था। अगला है, काली बंगा में एक चबूतरे पर 7 अग्निकुंड के प्रमाण पाए गए थे। अगला जो है वो काली बंगा में एक चबूतरे पर 7 अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। एक अग्निकुंड पर सात अग्नि एक चबूतरे पर 7 अग्निकुंड के प्रमाण पाए गए हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है, संगोल से प्राप्त अग्नि कुंड गोलाकार है। जो संगोल से प्राप्त अग्नि कुंड है वो गोलाकार प्राप्त हुआ है। वैसे तो अग्नि कुंड चौकोर आकार में होता था, लेकिन संगोल में जो पाया गया अग्नि कुंड वो गोलाकार आकार में है। अगला क्वेश्चन जो है, वृक्षों में पीपल का पेड़ जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित था, और पशुओं में कुबड़दार बैल, जो ऊपर बता चुका हूँ मैं कि कुबड़दार बैल पशुओं में सबसे ज्यादा प्रचलित था, और ये पेड़ पीपल का पेड़ और कुबड़दार बैल की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। हड़प्पा वासी अपने मृतकों के साथ 4 प्रकार के अंतिम संस्कार किया करते थे। हड़प्पा वासी के जो लोग थे वो मृतक के साथ 4 प्रकार के अंतिम संस्कार किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक समाज था और व्यापारियों का शासन था। ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, ये याद रखिएगा, और यहाँ पर व्यापारियों का शासन चलता था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापारियों का शासन चलता था। अगला है, हड़प्पा वासियों का पासा प्रमुख खेल था। इसके अलावा ये लोग शतरंज या कैरम भी खेला करते थे। लोथल से हाथी दांत, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोथल से हाथी के दांत पाए गए थे तथा हड़प्पा से तांबे की स्केल प्राप्त हुई थी। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि हाथी के दांत कहाँ से पाए गए थे और तांबे की स्केल कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो ये है, लोथल से हाथी के दांत पाए गए थे और हड़प्पा से तांबे की स्केल प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का प्रिय पक्षी कबूतर था। ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रिय पक्षी क्या था, तो वहां पर आप कबूतर बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, स्वास्तिक अर्थात सूर्य पूजा उनके लिए पवित्र एवं पशु बलि अथवा कुर्बानी में उनकी आस्था मौजूद थी। स्वास्तिक अर्थात सूर्य पूजा उनके लिए पवित्र एवं पशु बलि, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता है उस समय सूर्य की पूजा और पवित्र एवं पशु बलि अथवा कुर्बानी में उनकी आस्था मौजूद थी। उस समय कुर्बानी दिया जाता था और उन्हीं में आस्था इन लोग की होती थी, क्योंकि कालीबंगा में अग्निकुंड में से हड्डियाँ प्राप्त हुई है। ये हड्डियाँ प्राप्त होने से मतलब क्या निकलता है कि कुर्बानी, तो उसमें कुर्बानी की आस्था बहुत ज्यादा मौजूद थी।